नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं पंजाब के मोहाली में कल हुए विस्फोट पर हमारी खास पेशकश छोटा धमाका बड़ी साजिश। कल शाम करीब 7:40 पर मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। हालांकि इस विस्फोट में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान भी नहीं गई, लेकिन सिर्फ इसी वजह से इसे छोटा नहीं कहा जा सकता। हमले में उस ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ जो आतंकी संगठन करते रहे हैं। इस विस्फोट ने पंजाब ही नहीं देश के अमन पसंद लोगों, सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र सरकार को भी झकझोर कर रख दिया है। इस छोटे धमाके को क्यों कहा जा रहा है बड़ी साजिश, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खालिस्तान के नाम पर खुराफा, पंजाब पुलिस का खुफिया विभाग बना निशाना। मोहाली में रॉकेट वाली साजिश से खलबली। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर एक दिन पहले हुए RPG-22 यानी रॉकेट वाले हमले ने पुलिस और जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुए इस हमले के बाद हरकत में जांच एजेंसियां धनाधन मौके पर पहुंचने लगी। पंजाब पुलिस की कमांडो की दो टुकड़ियां और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी तो मौके पर पहुंचे ही, साथ ही NIA के भी कान खड़े हो गए। मौके पर पहुंची जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने पाया कि मुख्यालय की इमारत की तीसरी मंजिल के सामने वाले हिस्से में धमाका हुआ जिससे खिड़कियों के शीशे टूट गए। क्योंकि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, इसीलिए सबसे पहले इसे कमतर आंकने या कमतर बताने का दौर शुरू हुआ। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने पहले तो इसे बाहर से हुआ हमला मानने से इनकार किया। बताया गया कि दफ्तर में रखे विस्फोटक में धमाका हुआ, इसीलिए इसे आतंकी घटना नहीं माना जा सकता। लेकिन जैसे जैसे धमाके की खबरें फैलने लगी और कई एजेंसियों के कान खड़े हुए, पंजाब पुलिस का रुख भी बदलता गया। वो सारी तुती चल रही है, इससे किसने फायर किया, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, सारी तुती की जा रही है। इसके बाद तो इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इस मामले की जांच शुरू हुई तो मौके से RPG-22 का हिस्सा बरामद हुआ। कंधे पर रखकर दागने वाला ये वो हथियार है जिसका इस्तेमाल तालिबान से लेकर पाकिस्तान तक के आतंकी संगठन करते रहे हैं। RPG-22 का हिस्सा मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने DGP से इस पूरे मामले की जानकारी दी। इस बीच जांच का काम तेज हुआ तो पास के ही CCTV में एक संदिग्ध कार दिखी। बताया जा रहा है कि इस कार से दो लोग बाहर निकले और उन्होंने टारगेट पर करीब 80 मीटर की दूरी से निशाना साधा। बताया जा रहा है कि चूंकि इसमें इस्तेमाल विस्फोटक बेहद पुराना था, इसलिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ब्लास्ट छोटा बड़ा नहीं है, तो पूरा इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और कोई भी आतंकवादी हो उनके ऊपर पूरा हो शिकंजा कसना चाहिए। इतनी जानकारियों के बाहर आने के बाद पंजाब सरकार को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने घर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में DGP भी शामिल हुए। बताया गया कि इस बैठक में मुख्यमंत्री मान ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया गया कि इस हमले को लेकर संदेह के आधार पर 11 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। पुलिस ने दोपहर तक किसी की भी गिरफ्तारी से इनकार किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री मान से मीडिया ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया। मैं DGP साहब ना सारे इंटेलिजेंस के अफसर ना मीटिंग ली है और सारा डिटेल जी है
वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां, ते जड़ां तक पहुंच जाएंगे। 80 मीटर की दूरी से ग्रेनेड का फेंका जाना, वो भी ऐसे हथियार से जो या तो सेना के पास होते हैं या आतंकियों के पास, ये गंभीर खतरे का संकेत तो है ही। पुलिस को हमला करने वालों की कार और उसमें सवार लोगों के सुराग तो सीसीटीवी फुटेज से मिल ही गए। बाकी सबूत और सुराग के लिए फॉरेंसिक टीम से लेकर खुफिया विभाग तक अपने काम में जुट गई है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें IPC की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के साथ साथ UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ है। इस घटना को बड़ा मानने की कई वजहें हैं। इस मामले में धमाका बाहर से किया गया जिसका मकसद खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को तबाह करना हो सकता है, क्योंकि आतंकी संगठन जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल मोहाली में हुआ, इसीलिए इसे मामूली धमाके के रूप में नहीं देखा जा सकता। खुफिया एजेंसी के मुख्यालय को निशाना बनाने वाले सामान्य अपराधी नहीं हो सकते। दो दिन पहले जिस तरह हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए थे, उसके बाद पंजाब के मोहाली में ऐसा होना महज संयोग नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ये पंजाब पुलिस की बड़ी नाकामी मानी जाएगी। अमित भरद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हुए इस हमले की जांच के लिए NIA की टीम भी वहां पहुंच चुकी है और घटना के पीछे के आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस हमले की पूरी कहानी बताते हैं। कल यानी सोमवार शाम को मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेड ऑफिस में माहौल हमेशा की तरह सामान्य था। तभी 7:45 पर इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की से कुछ टकराया और फिर जोरदार धमाका हुआ। इस हमले के वक्त कमरे के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए इस धमाके में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, ना ही किसी को कोई चोट आई, लेकिन खिड़कियों के कांच इस हमले में जरूर टूट गए। और जल्द ही यह साफ हो गया कि यह कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं था, बल्कि इमारत पर RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागा गया। बेहद घातक होता है यह हथियार। शुरुआती जांच के मुताबिक यह हमला दो संदिग्ध लोगों ने किया, जो कि एक कार में सवार होकर वहां पहुंचे और उतरे और उसके बाद उन्होंने ये अटैक किया। और इन्होंने ये अटैक करीबन 80 मीटर की दूरी से इमारत को निशाना बनाते हुए RPG दागते हुए किया। 80 मीटर की दूरी अच्छी खासी दूरी होती है, यानी कि पूरी तरह से ट्रेंड थे वो लोग जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के DGP ने हमले में विस्फोटक के तौर पर TNT यानी ट्राई नाइट्रो टालुइन के इस्तेमाल की बात भी मानी है। ये TNT आम विस्फोटकों जैसा बारूद या RDX से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक होता है, बेहद घातक होता है। और ये अच्छी बात रही कि पुराने होने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमले के जरिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को उड़ाने की साजिश थी, लेकिन निशाना चूक गया और RPG इमारत के अंदर जाने की जगह दीवार से टकरा गया और इसी वजह से कुछ शीशे टूटे, धमाका छोटा रह गया। जांच एजेंसियां अब इस घटना का पाकिस्तानी एंगल भी खंगाल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हमले में हरिंदर सिंह रिंदा के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। रिंदा पहले एक गैंगस्टर था जो बाद में आतंकवादी बन गया और पाकिस्तान में बैठकर ISI की मदद से पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश रचता है। पिछले एक साल में पंजाब में जितने ब्लास्ट हुए, हर हमले में रिंदा का कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक हरविंदर सिंह रिंदा ही वो आतंकी है जो खालिस्तान समर्थकों के जरिए पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। दहशत के इस खेल में क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? क्या पाकिस्तान में बैठा रिंदा है हमले का मास्टरमाइंड? बारूद पाकिस्तानी और आतंकी खालिस्तानी। पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय की ये टूटी हुई खिड़कियां उस हमले की गवाही दे रही हैं, जिसने कल रात पूरे देश में सनसनी फैला दी। दिल्ली से लेकर मोहाली तक हड़कंप मच गया।
बैठकें होने लग गई और ये पता लगाने की कोशिश शुरू हो गई कि इस हमले के पीछे किसकी साजिश है। जांच एजेंसियों के सामने पहला सवाल यह है कि पंजाब को दहलाने का गेम प्लान क्या है। दूसरा सवाल यह है कि पंजाब में रॉकेट धमाके के पीछे किसकी साजिश है। तीसरा सवाल यह है कि मोहाली हमले का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। ये तस्वीर मोहाली के खुफिया विभाग के मुख्यालय की, जहां सोमवार शाम 7:45 पर धमाका हुआ। धमाका तीसरी मंजिल पर हुआ। ब्लास्ट बहुत तेज नहीं था, लेकिन धमाके में इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए, अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस छोटे धमाके के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि इस धमाके में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG का इस्तेमाल हुआ है। RPG को पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल अब तक अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए किया करते थे। उसी विस्फोटक का इस्तेमाल पहली बार भारत में हुआ है। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए धमाके की जांच जहां पंजाब पुलिस कर रही है और इस जांच में NIA सहयोग कर रही है, वहीं खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी SI बड़े पैमाने पर पंजाब में हिंसा की साजिशों में लगी हुई है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों और उसके साथ ही कनाडा, जर्मनी और UK जैसे देशों में खालिस्तानी समर्थकों से संपर्क साधा जा रहा है और उसके जरिए पंजाब में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। सवाल उठता है कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड मोहाली पहुंचा कैसे? क्या ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे गए थे? NIA की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी पंजाब में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। 5 दिन पहले ही करनाल से भारी मात्रा में हथियार और बारूद के साथ 4 आतंकियों को पकड़ा गया था। भारत के रहने वाले गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि 4 में से एक का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के साथ है, और रिंदा के कहने पर ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजे गए थे। इन चारों को यह भी बताया गया था कि आतंक का कंसाइनमेंट कहां और कब पहुंचाना है। ड्रोन की मदद से भारत में आए हथियार और गोला बारूद के 2 कंसाइनमेंट पहले ही इन आतंकवादियों ने डिलीवर कर दिए थे, लेकिन तीसरा कंसाइनमेंट डिलीवर करते वक्त करनाल में पकड़े गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लगातार खालिस्तानी आतंकियों के जरिए पंजाब के क्रिमिनल से भी संपर्क साधा जा रहा है और उन्हें हमले करने के लिए कहा जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए हमले के पीछे हरविंदर सिंह रिंदा शामिल हो सकता है। तरनतार का रहने वाला हरविंदर सिंह रिंदा इस वक्त पाकिस्तान में छुपा बैठा है और पिछले कई महीनों से वो पंजाब में पुलिस वालों पर हमले करने की साजिशों में लगा हुआ था। रिंदा एक बार फिर से आतंकियों का बड़ा नेटवर्क पंजाब में एक्टिव करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए फिरोजपुर में जो हथियार गिराए गए थे, उन्हीं हथियारों से मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हमला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक कार से 2 शख्स आए थे और फायरिंग करके फरार हो गए, लिहाजा बिल्डिंग के आसपास हमले के वक्त एक्टिव सभी कॉल को ट्रेस किया जा रहा है। बिल्डिंग के पास लगे 3 मोबाइल टावर और CCTV से सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की जांच रिंदा और करनाल में पकड़े गए हथियार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस हमले के पीछे आतंकियों का सिर्फ एक मकसद है, पंजाब को दहशत में डालना। पंजाब में बार बार हमला और बड़ी मात्रा में विस्फोट के मिलने से ये साबित हो गया है कि आतंकी भले ही खालिस्तानी हो, लेकिन बम और बारूद पाकिस्तान का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह हमला हुआ होगा और किस रास्ते से आतंकी फरार हो गए होंगे। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बताया कि जिस रास्ते से हमलावर फरार हुए हैं, उन रास्तों पर एक भी CCTV नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित पंजाब में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है एजेंसीज की तरफ से और पुलिस की तरफ से। आपको बता दें कि 9 मई की देर शाम 7:45 पर इंटेलिजेंस ऑफिस पर अटैक होता है। ये देखिए सामने एजेंसी जो है उनकी टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं, NIA की टीमें हैं और पुलिस के जो
जो जांच टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो जानकारी हमें मिली है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से कहाँ से जो बताया जा रहा है कि 80 मीटर की दूरी से जो है वो पूरा रॉकेट जो है वो इस बिल्डिंग पर दागा गया। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अभी जो जाँच एजेंसियों के लोग हैं वो जाँच कर रहे हैं, अधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सामने आपको ये पूरी बिल्डिंग जो है जिसमें डीजी इंटेलिजेंस भी बैठते हैं, जिसमें जो है यहाँ पर अधिकारी भी बैठते हैं, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनके लोग भी यहाँ पर आते हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहीं से इनपुट जाता है। तो अभी जो पंजाब पुलिस कह रही है कि आतंकी हमला होने की संभावना है, तो इस पूरी जांच से ही सामने आएगा कि क्या एग्जैक्टली यहाँ हुआ। मैं आपको उस घटनाक्रम में ले जाना चाहता हूँ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो चीज़ें जिस घटनाक्रम में हुई हैं। तो मैं राकेश को कहूँगा कि इस तरफ से दिखाएंगे, राकेश आप आइए इस तरफ से। तो जो बताया जा रहा है कि इस पूरे उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं, बहुत लंबी रोड है, अगर वो सामने जो टी पॉइंट है वहां से अगर शुरू करेंगे तो आगे 6 सेक्टर तक जो है ये जाएगा। तो ये वही इलाका है जहां से हुआ। तो यहां एग्जैक्टली राकेश थोड़ा दिखाइए, यहां पर एग्जैक्टली यहां से जो है वो बताया जा रहा है कि रॉकेट दागा गया। और ये सामने आप देखेंगे जहां जांच कर रहे हैं, जांच अधिकारी जो हैं, एजेंसियों के अधिकारी, पुलिस की एजेंसियों के अधिकारी, एनआईए के अधिकारी सब जांच कर रहे हैं। ये यहां से अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 80 मीटर की दूरी पर जो बताया जा रहा है कि वो रॉकेट दागा गया आरपीजी। और मैं आपको बता दूं कि उसका एक मार्क भी बताया जा रहा है कि ROG 22 बताया जा रहा है, जो कि यहां पर रॉकेट जो है वो दागा गया। और ये आतंकी हमला हो सकता है, और ये एक अलर्ट हो सकता है आतंकियों की तरफ से कि हम आपकी इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग है उस तक घुस गए हैं और हम बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। पंजाब में बीते कुछ महीनों से जिस तरह की हलचल महसूस की जा रही है उसके बावजूद मोहाली में जो कुछ हुआ उससे लोग सन्न रह गए। बीते 7 साल में जिस तरह से कश्मीर के अलावा देश के बाकी हिस्सों में आतंकवादी हरकतों पर लगाम लगी उससे लोग खुद को महफूज महसूस करने लगे थे, लेकिन मोहाली में हुए धमाके ने लोगों के चिंता पर फिर से इजाफा कर दिया है, खासकर पंजाब में रहने वालों की। लेकिन लोगों की चिंता एक तरफ और सियासत दूसरी तरफ। मोहाली मामले में आतंक के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लेने के बजाय सियासी दल एक दूसरे पर कीचड़ उचालते नजर आए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की थी वो बख्शा नहीं जाऊंगा। पंजाब के मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हुआ धमाका बड़ी साजिश है, इसे पंजाब के मुख्यमंत्री मान रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि बीते कई साल से पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। निश्चित रूप से ये मामला देश की सुरक्षा और अमन शांति से जुड़ा है, इसके बावजूद इस गंभीर मसले पर सियासत शुरू हो गई है। पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि आप पंजाब के अंदर माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। आपके माहौल ख़राब करने से पंजाब के अंदर लोगों का अमन शांति जो है उस पर असर पड़ता है। पंजाब पुलिस ने पहले इस हमले को कम करके पेश करने की कोशिश की थी और फिर वहां सरकार चलाने वाली पार्टी के नेताओं ने इसे सियासी रंग देना शुरू किया। मोहाली विस्फोट की खबर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान भी आया, जिन्होंने कहा कि मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पार्टी का मुखिया होने की वजह से केजरीवाल का ऐसा बयान लाजमी था, लेकिन बीजेपी ने इस पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि पंजाब में कुछ हो रहा है तो वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान आता है। और स्थिति ये है कि जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है, ऐसा कई ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिससे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कई खतरा देने वाली चीज़ें हुई हैं।
मनोज तिवारी इशारों इशारों में भगवंत मान को कठपुतली मुख्यमंत्री बताने की कोशिश करते दिखे। अकाली दल से बीजेपी में आए नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो दो कदम और आगे बढ़ गए। इससे बड़ा तो मुझे नहीं सकता कि अटैक हो सकता हो, और पंजाब में कभी हुआ भी नहीं इस तरह का कि कोई प्रोपेलर गन से आपके तीसरी मंजिल के ऊपर फायर करे। हम भगवंत मान जी के सपोर्ट में हैं, हम चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन वो केजरीवाल जी को छोड़ें। केजरीवाल जी की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी पंजाब की नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी सिख नहीं है, केजरीवाल जी की प्रायोरिटी देश की सत्ता हासिल करना। लेकिन ऐसे गंभीर मसले पर सियासत न पहली बार हुई है और न आखिरी बार। दो दिन पहले इसकी शुरुआत हो गई थी जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बाहर की दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में न केवल नारे लिख दिए गए थे बल्कि खालिस्तान के झंडे भी रात के अंधेरे में लगा दिए गए थे। तब बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को लेकर सियासत में उलझे नेताओं ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया था। जिसकी शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की थी। मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा ना बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। मनीष सिसोदिया यही नहीं रुके, सिसोदिया ने इस मामले को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग दिया। उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, बेहद कड़ी सुरक्षा वाले हिमाचल प्रदेश भवन पर खालिस्तान झंडा सुरक्षा की बहुत बड़ी नाकामी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को तुरंत जयराम ठाकुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस बार बीजेपी को मौका मिला तो पार्टी के नेताओं ने सियासी राग छेड़ने में देरी नहीं की। कुछ यही हाल पंजाब की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस का नजर आया। ये अब साफ हो गया है, केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार पंजाब की सुरक्षा अमन चैन के लिए हानिकारक सरकार है। अब भगवंत मान जी को जाग जाना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि अब वो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और केजरीवाल प्रचार मंत्री नहीं हैं। पंजाब लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेल चुका है लेकिन बीते कुछ महीनों से पंजाब की आबोहवा में जहर घोलने का काम शुरू है। इसकी झलक किसान आंदोलन से ही मिलने लगी थी। इसके बाद पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक दिया गया तो इसे भी जानकारों ने पंजाब के बदलते माहौल से जोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त माना गया कि पंजाब में विधानसभा चुनावों की तल्खी के बाद माहौल फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन अप्रैल को पटियाला में दो समुदायों के बीच हुई झड़प ने सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को नींद से जगाने की कोशिश की। हालांकि एक बार फिर यह मामला भी सियासी बयानबाजी की भेंट चढ़ गया। इसके बाद करनाल में आईडी मिलना, बब्बर खालसा के चार आतंकियों का पकड़ा जाना, तरन तारन में 4 किलो RDX मिलना, फिर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी नारे और झंडे, समझदारों के लिए इशारा काफी है। इतना सबके बावजूद अगर मोहाली विस्फोट को भी सियासी बयानबाजी में झुटलाने की कोशिश की गई तो इसके नतीजे भविष्य भले ही बताए लेकिन झांकी तो इसी तरह दिखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.